हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच लीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नगीना सेट्टी की एक अनदर वीडियो, डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम। नगीना सेट्टी डार्केस्ट साइड ऑफ, ठीक है भाई, अब तो यही हो गया, डार्क शेड ऑफ ब्लैक रह गए, सारे शेड जो हैं वो डार्क ही हो गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड उठा है लड़कियों को ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज बतानी है, लेकिन वो वीडियो में कब बताऊंगा ये नहीं पता। वीडियो के बीच में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है, क्या पता अभी बता दू। तो वीडियो स्किप मत करना, ऐसे टैप टैप करके फॉरवर्ड मत करना, सारी वीडियो देखना और तुम्हें पता लग जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की सारी वीडियो तनों पर होगी, हास्य भर होगी, तो ज्यादा वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना और ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन कॉन्ग्रेचुलेशन से भर दो। बहुत सालों बाद कहीं जाके मैंने अपने ऊपर पैसे खर्चे और माइक लिया, इसकी पन्नी भी नहीं उतारी अभी मैंने, देख लो। 5,000 लगा तेरे पे, अब अगर वीडियो ना चली। होली पे मुझे अपने सुसु से नहलाओ ना बाबू। क्या खूब किसी ने कहा है, चाहे तन हो चाहे मन दोनों होने चाहिए प्रसन्न। चाहे तन हो चाहे मन भाई, मुझे ये पता है प्रसन्न प्रसन्न थे बंदा घंटा हो गया, जब गुड़िया जैसी लग रही थी वो, किसी गुड़िया का सर मोड़ दिया गया वैसा। अरे मेरे में तो फिर थोड़ी बहुत सेंस है। जिसके ऊपर आज की वीडियो है उनका नाम है हेमोश्री। इसके कॉन्टेंट में 1% भी तुम्हें सेंस मिल गया तो iPhone 15 Pro Max मैं लेके दूंगा। इन मोहतरमा का वेरीफाइड अकाउंट है, 5 से 6 लाख इनके फॉलोअर्स है, इससे ज्यादा फॉलोअर इनके ओनली पंखे अकाउंट पर है। ये और एक और लड़की, साथ में 2 लड़के। आजकल इनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इन्होंने खुद बनानी स्टार्ट किया। आगे तो काम था सिर्फ दिखाना, अब बोल के दिखाना। भाई साहब ये मेरी वाइफ है, ये साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं पहनती तो? इसका भूख बहुत ज्यादा है। हाँ माँ के लिए इसका भूख नहीं मिटा सकता, तो आप लोग आ जाइए मुझे बचा लीजिए गाइस। भाई पहले तो तेरी हिम्मत है कि तू वीडियो बना रहा है, तू कैमरे के सामने आ रहा है, कैसा तेरा साइड पे पड़ी हुई शकरगंदी जैसा मुंह, और जिसके साथ तू वीडियो बना रहा है वो भी एक प्रकार की शकरगंदी है, लेकिन वो कैसी है ऑडियंस समझ गई। भूख नहीं मिटा सकता तो तूने मैंगो लेने के लिए शादी की है, और जैसा तेरी पत्नी का कंटेंट है ना, इसको फेविकॉल के परांठे खिला। भूख बंद हो चाहे ना हो, लेकिन इसकी जबान जरूर बंद होनी चाहिए। कौन कौन हमारा दूध पीना चाहते हो बोलो। और किसी ने नहीं पीना, बड़ा तुमने अमूल के साथ कोलैब किया। और वैसे भी जितने भी देख रहे हो ना, पहले तो मेरे को थैंक यू बोलो। हालो एक ही वीडियो में मैंने तुम्हें 2 इंसानी दरियाई घोड़े दिखाए हैं। रावी सेठ के नाम पर अपनी हेड पर सिंदूर डाली, जितनी ज्यादा सोचती हूँ इस छोकरे के बारे में उतनी बढ़ती है मेरी चेहरे की लाली। नहीं लाली तो बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है, लेकिन चेहरे पे नहीं। और ये कौन सा एंगल है वीडियो बनाने का? सामने कैमरा रख के सामने से बनाना, मुंह दिखा, मुंह से बातें चल रही है ना, जबान चल रही है ना, तो ये पोर्शन दिखाना होता है। ये साइड से ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? कौन सी खुशी, कौन से प्रकार का ऑर्गेज्म क्या मिलता है इधर? इसीलिए तो 5-6 लाख फॉलोवर्स है। यहाँ तो सारा टब्बर ही अजीब है। देखो मेरी फूली हुई प्यारी सी दीपक कलाल, ये जो आपका तरीका फेमस होने का बहुत ही मजेदार है, लेकिन आप जो कॉल मी शेरनी बनना चाह रही है वो नहीं बन सकती। इसलिए कृपया करके ये जो पासा है ना आपका, इसको भी ढक के सामने कैमरा रख के वीडियो बनाओ। साइड से देख के लौंडा लौंडी बुड्ढा बच्चा सामने रख के मोबाइल वीडियो बनाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर आपको सेडक्टिव दिखना है तो उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपको नया मुंह लगवाना पड़ेगा। भाई साहब दूसरा जन्म अनपढ़ लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? ये सब लड़की सिर्फ एक रात के लिए ठीक है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। तू तो आधे घंटे के लिए भी ठीक नहीं है नशी, और कोई कपड़े कुपड़े पहन लिया कर, तेरी कोई बॉडी नहीं है। एक्लेयर ज्यादा घंटा चबा के तेरे मुंह पे मारूंगा, बेहोश हो जाएगा। अपनी तरफ से मॉडल बना है, साले मैकडी वाला अंकल लग रहा है। हाँ ये अनपढ़ है, तू बड़ी एमकॉम करके टीचर बन गया, तूने बड़ा जोमेटो का कंपटीटर निकाल लिया, दुखे हुए गोबर को काट के हैप्पी बर्थडे करने वाले लोंडे। और दूसरा पॉइंट कौन सा? खूबसूरत लड़की, कौन से अंकल से 1800 फिल्टर मार के तो मैं भी शाहिद कपूर लगूंगा। तेरा डायपर गिल्ला हो जाए ना 2 घंटे, वैसी तरह मुंह बिगड़ जाता है। पोटी करने के बाद धोई धोई के लिए मम्मी को बुलाने की उम्र में इधर कपल गोल्स चल रहे हैं। नहीं यार उई होती है दिल में ये निब्बू को देख देख के, हमें तो मिलती नहीं है, हमारे लिए तो प्यार ढूंढना उतना मुश्किल है जितना पैसा कम। आपका नीचे का वो हिस्सा ना बहुत ढीला है। नहीं नहीं ओके है, सब ओके है, जितना होना चाहिए उतना है, मैंने कौन से कील ठोकने उससे। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड उठा है लड़कियों को बुरा फील करवाने के लिए, ये कह रहा है। तो पूरी बात किया कर, आप कोई भी अच्छे से डॉक्टर की वेबसाइट पे चेक कर लो, WHO या फिर और कोई भी वेबसाइट, ऐसा कुछ होता नहीं है। और किसने ऐसी बातें बोली है? मैंने तो आज तक सुना नहीं किसी से कोई ऐसा बोल रहा हो तेरा नीचे का बहुत ढीला है। किसने बोला है औरतों की जान? और भाई चांस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम कब नहाए थे? मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है, हम उनके पर दिल से बैठे हैं।
इतनी बड़ी विगचिक पहनी है, अपने आप को रशियन समझ रही है, रशियन युगांडा की आखिरी औरत लग रही है। कड़ी चावल घर पे बने हो, 6 दिन ना खाओ, धूप में उसको रख दो, वैसी शक्ल लग रही है। और मोदी जी 400 पूरे होने के बाद ही इंप्रेस होंगे, ऐसे देखने के बाद नहीं। ठीक है वीडियो बनाए जैसे मर्जी बनाए, मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ। और कल को मैं अगर बाय चांस देखो अगर मैं ऐसे बनाने लगूंगा तो कैसा लगूंगा? चाहते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, नहीं चाहते तो दबा हो जाओ। What the hell she is doing? ये कोई आंटी कहाँ है? जहाँ पे एक आम आंटी का रोल होना चाहिए, चप्पल गिल्ली करके मुंह पे मारनी चाहिए, वहाँ पे आंटी सपोर्टिंग एक्टर बन गई है। ऐसे ना ही किसी को मजा आ रहा है, ना ही किसी को ऑर्गेजम आ रहा है, और ना ही कोई इंप्रेस हो रहा है। हेमोश्री जी आपको इस प्रकार से देख के 17-18 साल वाले जो निब्बे ट्यूशन बंक मार के आपकी वीडियो पे पैसे खर्च रहे, सिर्फ वो इंप्रेस हो रही है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सबके सब लड़के खूबसूरती से प्यार करते हैं। आप खूबसूरत उल्हास कमाठे है ना, उसको क्लीन शेव कर दो, बाल लगा दो, बिल्कुल सेम लगेगी। जिनको हास कमाठे नहीं पता, चिकन लेग पीस वाले अंकल। ए राम खूबसूरत उस वक्त के अप्सरा मेरे पैर के जूते के बड़ा बड़ा है, इसीलिए सारे लड़के मुझसे मर मिटने के लिए तैयार है। ओ विन्नी द पू का युगांडा वर्जन, ठहर जा, कौन इतना पंप भर रहा है, कौन इतनी हवा में लेके आ रहा है तुमको? पर मैं जानती हूँ कि ये प्यार सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि ये प्यार मुझसे नहीं मेरे खूबसूरत मुखड़े से है। ओ फिर खूबसूरत, ओ फटे हुए पिकाचू किस एंगल से खूबसूरत, ऊपर से मुखड़ा 7XL मुखड़ा है। क्योंकि मैं इतनी ही खूबसूरत हूँ जितने खूबसूरत लड़के लोग सारे जिंदगी में उसके खानदान में सारे पुरखों ने नहीं देखे होंगे। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मुझसे शादी करे और अपना पुरखों का नाम रोशन करे। उसके बाद बोलो मुझे तो वो पति चाहिए जो मेरे कंटेंट को ना देखे मुझसे प्यार करे। दीपक लाल ही बचा है, उसके अलावा तो कोई नहीं आने वाला। और बार बार खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, इसको ढंग से देखो, पीयूष को क्लीन शेव करवा दूं, सेम लगेगी। सुंदर हो, हॉट हो, सक्सेसफुल भी हो, तुम सबको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। वो जैसी भी है छोड़, तू इतना कुपोषित क्यों है, तेरे को राशन नहीं मिलता? रोटी रोटी खाया कर भाई। तो तुमको कब सेटल होना है? मुझे पहले बैटल खेलना है, फिर उसके बाद में सेटल होना है। करो इसकी भर्ती करो फौज में, जा बैटल लड़ वहाँ पे जाके। एक तो 80 लीटर वाली कैटल जितना मुंह, ऊपर से पहले मैं बैटल खेलूंगी फिर मैं सैटल होऊंगी। करता मैं सैटल, जुत्ती मेरी कितने कितने जुत्ती। देखो आप सबको पता ही है कि हम लोगों के पास कितना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन है। और फिर दूध, और नहीं चाहिए यार दूध, यहाँ पंजाब में वेरका का मिलता है, अमूल का मिलता है, बहुत स्वाद दूध है, नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा दूध है, जाओ कहीं डूब जाओ वहां पे बिखर जाएगा, दूध दूध लगी है तेरे चक्कर में, मेरे को दूध कोल्ड कॉफी सबसे नफरत हो जाएगी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो दूध का फैक्ट्री होता है ना वो खोलेंगे। और पहले बैंक में खाता खुला, जाके 4 पैसे जोड़, और जो चीजें तेरी खुली पड़ी है ना उनको बंद कर, नई चीजें ना खोल। टाइम हो रहा है ना अपना मतलब व्यवसाय खोलने के लिए। व्यवसाय खोलना है इन्होंने, कभी 20 वाले कुरकुरे का पैकेट ऐसे खोला? व्यवसाय खोलना है। तो हम अगर दूध का फैक्ट्री खोले, आपके हमसे दूध लोगे और कैसे नहीं चलेगा? अच्छा बिल्कुल नहीं, जरा कमेंट में बताना हाँ या ना। ओ बहुत अच्छा है, बहुत अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया व्यवसाय है तुम्हारा, जाओ जल्दी करो किसी बड़े दूध के ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करो। आईडी तू मज। आप लोग कौन? मेरा बेटी को शादी करना चाहती हो, उसका मांग भरना चाहती हो? आंटी जो चीज नॉर्मल भरनी चाहिए इसने ओवर भर ली है, अब जो चीज खाली नहीं रहेगी उसको रहने दो, उसको जरूर भरना है। आप क्यों इसका साथ दे रहे हो, आप क्यों सपोर्टिंग रोल में हो? आंटी कुछ ज्यादा ही सीरियस लेगी ये चीजें, जहाँ पे माँ बाप बोलते ना हमारा बच्चा खुश है, पैसे कमा रहा है, अपना खा रहा है, आंटी कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेगी है। आंटी गिल्ली गिल्ली गालियाँ दो इसको। लुकिंग लाइक आथू, औरतों की मोगली लग रही है, इसने भी सच कर दी चीज के, चड्डी पहन के फूल खिलाए, ज्यादा ही कुछ ओपनली नहीं खोल दिया यार। मैं कहीं पे जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरी ये जो चीज है जो टी शर्ट है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाए ना मेरी फट के हाथ में आ जाती है, किसको काला रंग ना मेरी शरीर का दिख जाए। ये तो कचिया कुचिया नॉर्मल चल रही है, पागल है सारे पागल, पागल में है जो पागल सारी पकूनी कूनी मार के मुंह। इतना ही नहीं मैम, मोटिवेशनल चीजें भी डालती हैं सोसाइटी आजकल, क्या करती है वो भी डालती हैं। इनसे कौन मोटिवेट होगा, ये क्या है? ओ तेरी बहन जुत्ती मेरी लव, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो दिखाने के लिए अपनी ही माँ को पैर दबाने के लिए बोल दिया। ये नहीं कि साथ में जो लड़की है उसको बोल दे कि हाँ तू, और कोई नहीं देख रहा है पैर दबाना। तो मैं लोगों को बता दूं कि सोसाइटी क्या करती है, अपनी असली माँ को ही बोल दिया। वाह बेटा वाह, लॉजिक लॉजिक कितने लॉजिक कितने लॉजिक। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो वीडियो में कभी भी बता सकता हूँ, वो अब है टाइम जब मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जिसके ऊपर आज तुमने सारी वीडियो देखी है, इसने मुझे कोलैब के लिए पूछा था।
भाई मत करना प्लीज प्लीज भैया मत करना। तो बस वही वीडियो आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको थोड़ा बहुत मजा आया होगा। आया तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना और लाइक कर देना वीडियो को, ताकि और अच्छा अच्छा कंटेंट के लिए मैं मोटिवेट हो सकूं। बस सब्सक्राइब कर देना जैसे भी हो, एंड कोशिश करूंगा अगली वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं तुम्हें जल्दी, ठीक है? चलो यार, सबसे बड़ी आयरनी तो ये है वो मोटिवेशन दे रही है कि हाँ आजकल ज्यादातर जो बच्चे हो गए हैं वो इतने नालायक हो गए हैं कि हाँ अपने माँ बाप को अपनी सेवा करने पर, अपने बुढ़ापे में उन पर प्रताड़ना करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो भी करते हैं ठीक है, वो करने के लिए खुद यूं करके खड़ी हुई है। सबसे बड़ी आयरनी है कि साला उस वीडियो में किसी ने नहीं देखा कि माँ पैर दबा रही है, ठीक, किसी ने नहीं देखा। मैं चैलेंज करती हूँ 110% किसी ने नहीं देखा कि उसमें माँ पैर दबा रही है, क्योंकि सबने बस पैर पे ध्यान दिया, माँ पे नहीं। याद हो गए यार, ये क्या क्या बदतमीजियां हैं। अच्छा मैं एक चीज बताती हूँ, देखो जो ब्लाउज और पेटीकोट है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो फॉरेन से आया है, वेस्टर्न कल्चर है ये, ठीक है, वेस्टर्न शब्द हैं ये और इनसे आया है, क्योंकि जो हमारे कल्चर में था, जो एंशियंट इंडिया का कल्चर था, आर्यावर्त का या कह सकते हो कल्चर था, उसमें ऑब्वियसली महिलाएं जो गर्म जगहों पे रहती थी, क्योंकि इंडिया एक खुद एक गर्म जगह है, ठीक है, गर्म देश है, तो वहाँ यहाँ पे ब्लाउज ना पहनना इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ब्लाउज ना पहन के उसके बाद अपने आप को एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रही हो दूसरों को सेड्यूस करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं था, वो नॉर्मली कैजुअली। और आज भी इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ के कई इलाकों में औरतें ऐसे ही रहती हैं, वो साड़ी पहनती हैं और साड़ी ऐसे ही टक करती हैं कि वो ब्लाउजलेस होता है, ब्लाउजलेस एंड पेटीकोटलेस होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत पुराना टाइम का कल्चर है, ठीक है, बहुत पुराने टाइम से चलता हुआ कल्चर है। लेकिन आज के टाइम में जो अंग्रेजों ने, जो मुगलों ने हमारे दिमाग में भर दिया था, ठीक है, कि हाँ भाई शरीर ढका हुआ जो होता है वो सही होता है, ठीक है, और जो शरीर, अगर मान लो आपने ब्लाउज नहीं पहना है, ठीक है, या पेटीकोट नहीं पहना है, दैट्स सो अनकल्चरल, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो वेस्टर्न लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, वो कहाँ से आए थे? ठंडे देशों से, ठीक है, जो और भी जितने लोग जिन्होंने हमारी कंट्री पर अटैक किया, ठीक है, वो भी कहाँ से आए थे? वो कहीं ना कहीं ऐसे हिस्सों से आए थे जहाँ पे या तो एक्सपोज स्किन होगी वो जल जाएगी, या फिर कहाँ पे ऐसी स्किन होगी जो बहुत ज़्यादा ठंड है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें पूरा अपने आप को कवर रखना पड़ता था। अब उस चीज़ को हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा भर दिया गया कि हाँ हमने ये समझ लिया कि भाई यही हमारा कल्चर है, जबकि ये हमारा कल्चर नहीं है, ठीक है। और ये सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कौन कैसे पहनना चाहता है, कोई वेस्टर्न आउटफिट किसी को पसंद है, किसी को ईस्टर्न आउटफिट पसंद है, किसी को कल्चरल ट्रेडिशनल आउटफिट पसंद है, वो उनकी मर्जी है कौन कैसे पहनता है। लेकिन आप उस आउटफिट को यूज कैसे कर रहे हो, उसे ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर रहे हो, अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई कैसे कर रहे हो, मायने ये रखता, ठीक है। ऐसा नहीं है तुम चाहे नकाब पहन लो, ठीक है, तुम चाहे ऊपर से नीचे तक नकाब पहन लो, लेकिन अगर तुम्हारे इंटेंशंस बुरे हैं, अगर तुम्हारे इंटेंशंस ऐसे हैं कि वो दिखावा करने पर, ठीक है, ये उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, देन कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुमने क्या पहन रखा है, ठीक है। जस्ट लाइक हर कैमरा एंगल, जो इनका कैमरा एंगल है वो सामने की तरफ भी रह सकता है, बट उनको पता है कि जो बिना ब्लाउज की साड़ी होती है वो सामने का पूरा एरिया कवर करती है, ठीक है। उसमें इनको ना 5-6 लाख फॉलोवर्स मिलने हैं, कुछ नहीं, क्योंकि कंटेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है, कंटेंट कुछ है ही नहीं। यहाँ हम जैसे लोग जो 7-8 हज़ार फॉलोवर्स लेकर ही बहुत ज़्यादा खुश हैं, अरे वाह इंस्टाग्राम पे मेरे 8 हज़ार फॉलोवर्स हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी मैं ओंगा पोंगा जैसा भी कंटेंट डाल रही हूँ उस पर वो ठीक है, मेरे लिपसिंक के ही वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो ठीक है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है इतना, जित
लायक मेरा कॉन्टेंट है, उतना उतने फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये नहीं कर सकती मैं भाई कि हाँ कैमरा एंगल अपना बदल दूँ, ऑब्जेक्टिफाई करूँ अपने आप को, ये तो अपने आप में ही निष्ठा हो जाएगी भाई, तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।